हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, इसकी ही हम बात करेंगे, शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं डेंटिस्ट्री में जो पॉसिबल नहीं है, जो बहुत सारे वीडियोस के थंबनेल में लगा देते हैं कि पहले ऐसा था और बाद में 2 मिनट में ऐसा हो जाएगा या 1 दिन में ऐसा हो जाएगा, घर में ही ऐसा हो जाएगा। एक्चुअल में वो ट्रीटमेंट की फोटोज होती है। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ तो आपको क्लियर होगा। ये वीडियो इसलिए है कि बिना वजह अपने दांतों को नुकसान मत करिए। चलिए समझते हैं। अगर चैनल में नया पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशन के लिए। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए शॉर्ट में समझते हैं। पहले यहां पर मैं आपको बता दूंगा, ये एक सड़न की फोटो है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका दांत है और ये आपके दांतों में सड़न लगी हुई है, ऐसा आप समझिए। ये दांत के अंदर का स्ट्रक्चर है आपका, बाहर का स्ट्रक्चर नहीं है। बाहर जो आपका दांत वाइट दिखता है और फिर इसके अंदर जड़ें होती हैं नीचे, तो अंदर से कैसा आपका दांत दिखता है, तो ये सड़न लगी हुई है अंदर। फोटो से आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे सबसे ज्यादा इस टाइप का आप देखते हैं कि ये पूरा कीड़ा लगा हुआ है। ये जो सड़न आप देख रहे हैं, ये अगर लग गई है दांतों के अंदर तक, तो ये किसी भी चीज से साफ नहीं हो सकती। पहले ये देख लीजिए आप, जैसे ये फोटो आप देखेंगे और फिर आप ये कुछ लगाइए घर में या फिर कुछ आपको बताएंगे और दांत ऐसा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये ट्रीटमेंट के बाद ऐसा होता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। भले ही आप ट्राई भी कर लें, आप खुद से लगा के देख लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं इस वीडियो से आपको बोल रहा हूं, ये ट्रीटमेंट है। यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताता हूँ, वैसे ही एक क्लीनिंग का भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए, अगर आपका दांत अंदर से खराब हो गया है तो जैसा आपको दिखाया वैसा घर में नहीं हो सकता। यहां से डायरेक्ट ऐसा अच्छा आपका दांत नहीं हो सकता। ये आपकी दांतों की नसें हैं, अगर यहां तक खराब नहीं है तो फिलिंग हो जाती है जैसा आपको दिखाया गया है, तो ये क्लीन किया जाता है मशीन से। ये भी ऐसा नहीं है कि हाथ से पूरा साफ कर लिया जाए, ब्रश से साफ हो जाए, नहीं, क्योंकि ये आपका दांत गंदा नहीं है, दांत आपका अंदर तक खराब है, तो मशीन से उसको केयरफुली क्लीन किया जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा दांत आपको दिखता है, दांत बहुत छोटा सा होता है, 1-1, 2-2 mm का डिफरेंस होता है। अगर यहां तक आपने साफ कर दिया, ड्रिल कर दिया, सीवियर पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली केरीज को साफ किया जाता है मशीन से, हैंड इंस्ट्रूमेंट से ऐसी कैविटी बनाई जाती है, उसके बाद उसमें दांत के कलर की फिलिंग की जाती है, तब आपका दांत ऐसा होता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप घर में ही ब्रश कर लें या लगा लें तो ऐसा हो जाएगा। इसको समझिए कि ये ट्रीटमेंट के बाद हुआ है। फोटो ऐसे ही लगा देते हैं लोग की ऐसा दांत था, ऐसा हो जाएगा तुरंत, ऐसा नहीं होता है। चलिए दूसरी बात, ये तो बहुत ही ज्यादा बता देते हैं, पायरिया की कंडीशन की फोटो लगाते हैं, ऐसी कुछ फोटो लगाते और नेक्स्ट ऐसी फोटो लगा देते हैं कि आप ये ब्रश कर लीजिए, मंजन कर लीजिए या फिर ये कुछ बना के लगा लीजिए। मैं आपको खुद रेमेडीज के वीडियोज भी बताता हूं, लेकिन आप उनमें देखेंगे कि आपको उसमें एक्चुअल आपको बताया हुआ है कि आपको कितना फायदा होगा, किस कंडीशन में कितना आपको लगाने से फायदा होगा। ऐसे से आपने 2-3-4 दिन कुछ किया रेमेडी की, ऐसा हो जाएगा पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद से समझ सकते हैं कि सब ट्रीटमेंट से होता है। और कुछ कंडीशन तो, एक बात क्लियर कर लीजिए, ऐसी हो जाती है, मान लीजिए पायरिया की कंडीशन है, पूरी हड्डी तक दांत आपके खराब है, तो ये ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं होंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद कुछ सुधार इनमें आ सकता है, लेकिन फिर भी जो ऐसा दिखा दिया जाता है कि एकदम फाइन कंडीशन है, गम्स बहुत अच्छे हैं, दांत बहुत अच्छे हैं, कोई डेब्रीज नहीं है, स्माइल बहुत अच्छी होगी, पॉसिबल नहीं है। क्लिनिक में भी काफी ज्यादा ट्रीटमेंट करने के बाद, काफी केयर करने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, अगर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है तो घर में कैसे पॉसिबल है, ये आप खुद समझ सकते हैं।
तो वीडियो बनाने का एम यही है कि कुछ भी चीजें देखकर बिना सोचे समझे आप अपने मुंह में अप्लाई मत कर दीजिए। बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर्स आपके मुंह में है, आपको इसकी केयर करनी चाहिए। अगर आप कुछ लगा लेते हैं और अगर कंडीशन खराब होती है तो जो हम पैसों की बात करते हैं कि सस्ता लगता है, ये लगा लेंगे घर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो आगे चल के कॉस्टिंग भी आपकी बढ़ रही है, ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम भी आपकी बढ़ रही है। सिंपली समझना हमें इतना है कि अगर हम कंडीशन को ट्रीटमेंट करा के बेटर नहीं कर रहे हैं तो उसको वर्स्ट भी ना करें, उसको मेंटेन करें और जो जरूरी ट्रीटमेंट है वो आप करें। बाकी वीडियो में हम सिर्फ समझ सकते हैं, फाइनल डिसीजन आपका ही होता है, आपकी हेल्थ है, आफ्टर ऑल आपकी ओरल हेल्थ है, आपको कैसे मेंटेन करनी है आप खुद समझदार हैं। अननेसेसरी कोई भी चीजें अप्लाई मत करें। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, और अगर कुछ बुरा लगा है किसी को तो बुरा लगने की कोई बात नहीं है, बस हम अपने ओरल हेल्थ को अच्छा करें इसलिए ये वीडियो है। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या जिनको भी ऐसी कोई कंडीशन है और कुछ गलत चीजें यूज कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।